गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम दोनों को 1 ईयर कंप्लीट होने जा रहा है कल। तो हम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं। वैसे तो हम हमेशा ही एक्साइटेड होते हैं, बट फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे सरप्राइज़ के लिए लेकर जा रहे हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, बिकॉज़ आपको मुझे ऐसा कि पता ही है कि आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मौसम अच्छा था और अगले दिन मेरा एनिवर्सरी भी है, इसीलिए ये मेरे को सरप्राइज़ के लिए लेकर आए लाजपत नगर। एंड देखते हैं लाजपत नगर में हम दोनों क्या करते हैं। फाइनली मेरे हस्बैंड ने ढूंढ ली है सूट्स की शॉप। लेकर तो आप ही आए हो। ₹300 चालू। अच्छे से लगा दे दो। तो हल्दीराम्स भी आ चुका है, लेकिन ज्वेलरी ही शॉपिंग हमें करनी है, वो नहीं हमें मिल रहा। तो फाइनली हमें मिल गई है ज्वेलरी शॉप जो हम ढूंढ रहे थे, और मुझे अपना सरप्राइज़ भी पता चल चुका है कि ये मुझे गोल्ड की शॉपिंग करवा रही है। लेट्स सी क्या मिलता है अच्छा सा। हेलो रामा कृष्णा तो सस्ती रहती है। गाइस हमारी मजाक में हमें रात हो गई है बाहर। बहुत ज़्यादा रात हो गई है, ठंड भी बहुत है। वैसे ऐसा कोई टाइम नहीं है ना हमें रात ना हो, सुबह से निकले। गाइस हमने पूरे 9 मंथ्स ना बाहर घूमते निकाल दिए, हमारा बेबी भी घुमक्कड़ होगा। होने तो अपने पैसों में घूमे जहाँ घूमने। दो ये ले लिए गए, बीके वेजी बर्गर और ऊपर में ऊपर गया बाबू। हाँ विशाल मेगा मार्ट में मिलेगा वो प्रैप। विशाल मेगा मार्ट में ना प्रैप नहीं मिलती, वो आपको बदरगीर में मिलेगी, लाजपत नगर में मिलेगी, सरोजनी नगर में मिलेगी। यार हम लाजपत नगर गए थे बाबू, आराम से चला लो।
बच्चों भाभी विश यू अ मेरी हैप्पी एनिवर्सरी विश यू अ हैप्पी एनिवर्सरी एंड अ हैप्पी एनिवर्सरी। बैठो ना, बैठ। नहीं तो नहीं, बैठ जो। अरे सुनो, चेयर ले लो ना। विश यू अ हैप्पी क्रिसमस, विश यू अ मेरी हैप्पी एनिवर्सरी, विश यू अ मेरी हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary. गाना बजा बे। Wish you a happy anniversary. Wish you a very happy. नहीं, गाने तो वैसे भी नहीं चला सकते। YouTube में तो गाना बंद ही करना पड़ता है। Wish हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। आई होप रात को आपको मेरा गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बिकॉज मुझे तो अपना गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कंट्री डिलाइट से कुछ फ्रूट्स और वेजीज ऑर्डर किए थे रात को ही, और नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 आ गया था। तो दोस्तों, आज हमारी है फर्स्ट एनिवर्सरी और आप सबका स्वागत है पूजा ब्लॉग्स के चैनल में। मैं उसका हस्बैंड अमित कुमार। एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर ये बना रही है हमारे लिए पराठे मेरी मूली के। और सॉरी दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये ब्लॉग्स मैं आईफोन में बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें बैक कैमरा कैसे एक्टिवेट करते। सो अब मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखो, मैं वापस आ गया। अंदर देखो, ये बन रहा है पराठा। तो ये देख, तो ये बन रहा है मूली के पराठे, वो भी गोल गोल। रोटी बने गोल गोल, अमित खाए बजा के डोल डोल। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, मेरा पति गोल गोल। ये देखो इनका पति गोल 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 गोल।
बताओ फिर। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी बहू ने मूली का पराठा सेका है और मैं उसे सबसे पहले मैं ही खाने बैठी हूँ। आइए और आप भी खाइए और हमारी बहू को आशीर्वाद दीजिए। और उनकी आज पहली सालगिरह है, सचो 17। कौन सा जो तुम्हारे वो कैसा है? एक्चुअली सुबह से हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए थे और हमने डिसाइड किया था कि इवनिंग में हम लोग डिनर बाहर करेंगे, तो इसीलिए हम दोनों तैयार हुए और डिनर के लिए बाहर गए। बट हमारा डिसाइड था कि हम किसी बारबेक्यू नेशन जाएंगे, तो बारबेक्यू नेशन हम गए, बट हमें ना इतना कोई खास नहीं लगा। एक्चुअली मैंने इनको बोला अंदर जाके थोड़ा सा एम्बियंस देख लो, अगर एम्बियंस अच्छा होगा तो हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। फाइनली हम एक ऐसे कैफ़े में आकर बैठ गए थे साकेत में, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब जैसा हमें एम्बियंस चाहिए था, एकदम शांति, नो लाउड, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एम्बियंस था। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये हमने रूफ टॉप में लिया था और मतलब काफ़ी अच्छा था। एज़ यूजुअल हमें नॉनवेज बहुत पसंद है, तो खाना तो हमें नॉनवेज ही था। बातें करी काफी, तेरे टी मतलब केम में जो चिकन है अभी लगा इतने टाइम के बाद। He is always on the phone। आज हमारी एनिवर्सरी और एनिवर्सरी पर भी ऑफिस का काम हो रहा है। मत दिखाओ हंस की कोई बात। आज मैंने जबरदस्ती वीक ऑफ लिया है, इसलिए ऑफिस का काम जरूरी है। अगर गाइस आपके हस्बैंड भी ऐसे करें तो आप क्या करते हो ये मुझे प्लीज बताना। Yeah.
बड़ा गर्म है, गर्म है। मेरे ठंडे के सामने तेरा गर्म कुछ नहीं है। लेकिन आपका ठंडा है और मैं एक दूसरे से हूँ और मेरा गर्म है, ऐसा क्यों? हमारा उसने ओवन में गरम करा पीछे। ऐसे ही हमने अपनी एनिवर्सरी का एंड किया है और बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारा मतलब आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए हम लोगों को। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।